हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने स्मितन से जो स्मित मार्क लिए थे उसके मैं रिव्यू आपको दूंगी। थोड़ा सा लेट हो गई पर लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए वो रिव्यू, क्योंकि स्मितन से जो मैंने मास्किंग के जो मैंने नेल रिमूवर लिए थे वो तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो देखते हैं कि ये शीट मास्क का क्या है। तो शीट मार्क्स जो है वो सबसे पहले मैंने दो आपको दिखाए थे, मैंने कुकुम्बर का और ये पल्स वाला एक लिया था। कुकुम्बर का जो है वो ज़्यादातर स्किन में नॉर्मल हर स्किन टाइप में सूट करते हैं, और ये वाला भी ऑल स्किन टाइप का ही था। पर शीट मास्क का जो मैंने आपको ये दिखाऊंगी भी, मैं अपने फेस पे लगा के भी आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आप मुझे खुद बताना कि ये शीट मास्क सही है या नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप शीट मास्क यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी यूज जो होती है आप क्लीन कर ले अपने फेस को। स्क्रब भी आप कर सकते हो, स्क्रब ऑप्शनल है। जो है इसको यूज़ करने के बाद इसको लगा के सोना नहीं चाहिए, किसी भी हीट या आपके सामने भी आप नहीं आए तो अच्छा है। तो इसमें जो हमारे एक्सेस सीरम वगैरह होते हैं वो हमारे स्किन को बहुत मॉइस्चर करते हैं और हमें नरिशमेंट जो चीज़ें हैं वो देते हैं। तो ये लगाना मेरे अकॉर्डिंग, और आप ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अगर रात में यूज़ करें तो, क्योंकि रात में जो भी हम यूज़ करके सोते हैं उसके इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। और शीट मास्क को यूज़ करने से पहले, उसको निकालने से उससे पहले आप इसको अच्छे से ना रब कर लें, ऐसे आप उसको रब कर लें थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर जो सीरम होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो जब हम वो रब करेंगे तो वो शीट मास्क के अंदर आ जाते हैं। तो यूज़ करने से पहले हमें इसको अच्छे से थोड़ा सा रब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैंने जो यूज़ किए हैं शीट मास्क में, टाइमिंग होती है हर शीट मास्क के अलग होते हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होते, पर उसमें आप देखोगे कि लिखा होता है, तो उससे ज़्यादा टाइम कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जितना टाइम के लिए उन्होंने बोला है उतना टाइम तक ही उसको रखना चाहिए, ठीक है। और उसको मतलब मैं आपको कुकुम्बर वाला जो है ये मैंने यूज़ करा था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ और आप खुद नोटिस करें देख सकते हैं कि कैसे क्या, ठीक है। तो पहले आप फेस को क्लीन कर लें, उसके बाद हमारा शीट मास्क जिसमें नाक मुंह होंठ सब बने हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इसको अपने फेस पे लगा ले, अपने फेस में अच्छे से कवर कर ले और 20 मिनट वेट करें। और उसके बाद 20 मिनट के बाद ये आप देख सकते हो मेरे फेस पे, और जो भी है सीरम उसको थोड़ा सा मसाज कर ले और आप मुझे बताइए इसके इफ़ेक्ट। तो हाँ, तो आप मुझे अब खुद बताइए कि ये जो शीट मास्क है वो क्या कोई इफ़ेक्ट, अलग सा इफ़ेक्ट आया फेस पे के नहीं आए हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो अच्छे लगे हैं ये शीट मास्क, और जब मैंने इसको लगाया भी था वो एक ठंडा ठंडा बहुत अच्छा फील दे रहा था, गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे तरफ से ये मास्किंग का शीट मास्क तो पास है। जो अलग मतलब एक्स्ट्रा जो सीरम होते हैं उसके हम निष्कर्ष निकालने के बाद भी उसके अंदर सीरम बच जाते हैं, तो उसको आप फेंकना मत, वो आप जो एक्सेस है वो फेस होने के बाद उसको कॉटन सीरम को उसको फिर सीरम को भी लगा सकते हैं, आप अपने हैंड इनमें भी मसाज कर सकते हैं, तो वेस्ट ना करें उस सीरम को। तो आप उसको लगा के, और सबसे अच्छी है वही मैंने जो बोला, रात को आप यूज़ करके लगा के आराम से सो जाए, उसके इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेंगे आपको। मेरे हिसाब से आप ये मास्किंग के शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर भी है, बहुत सारे हमारे मार्केट में है, बट मुझे सही लगा ये अच्छे थे तो इस वजह से मैंने इसकी रिव्यू दी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेंगे और ऐसे ही मैं आपको ये वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज के लिए बाय बाय।